की है इस फिल्म के अदाकारों ने, और क्या अभिनय किया है, क्या शानदार अभिनय किया है, और बिल्कुल उस कहानी को उतार के रख दिया है उन्होंने अपने किरदारों से। मैंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है, लेकिन मैं बहुत उत्साहित हूँ कि इस मूवी को जाके देखूँ। इस मूवी से इंस्पायर होकर के मैंने एक स्केच भी तैयार किया है, आशा करता हूँ कि आप लोग इस स्केच को देखेंगे और पूरा देखेंगे बिना स्किप किए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्त को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली। जी कितने लोगों को मारा होगा? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते? और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते? उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस? नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। देखो कौन है, कृष्णा। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे सर। कश्मीर चल रहा है, खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे गवर्नर से मिलकर। जहाँ शिव सरस्वती शिव कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। कश्मीर भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत, विनाश। और मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। आजादी इज ए सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। इट्स एन एंथम ऑफ फ्री कश्मीर। सैक्रिलेज जनगण मन ऑफ इंडिया। कि मासूम लड़कों को गाड़ी से बात बांधकर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे। ये सताए हुए लोग गंजी उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई पत्थर नहीं उठाई। क्यों? एंड वी विल नेवर अलाउ कश्मीर टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री। चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े। दिस इज द टाइम फॉर जस्टिस कृष्णा। कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा। इस जस्टिस।